साफ सुथरा। अब वक्त है थ्री पॉइंटर का। या कि आप देख रहे हैं और मेरे पीछे शोर सुन रहे हैं, ये है मेलोब्रुक की रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम। इसी वजह से कैलिफोर्निया में होने वाले नाली गेम्स के मुख्य आकर्षण लुप्टी लूप ऑफ लैसरेशन इस जाम में अटक गए हैं। द लूप तब से हेडलाइंस में छाए हुए हैं और उस लूप को नाकाम करने की कोशिश में है हमारे मोटोक्रॉस स्टार डर्ट बाइक। बाइक ने कर दिखाया। गंथर वो यहाँ है, मतलब हाँ द लूप टू लूप ऑफ लैक्रिएशंस, वो भी मेलोब्रुक में। बिल्कुल, और हम उन पर राइड करेंगे। हाँ सही सुना गंथर, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन खुद डर्ट बाइक माइक भी नहीं कर सकता। हम कर दिखाएंगे, रास्ते में समझाता हूँ। जिगरबाजों की जिंदगी में ऐसा मौका एक ही बार आता है। मेरा एक काम रह गया, मेरे डैड घर आने तक ये गैराज साफ करना है। उनकी यक्स लॉज की मीटिंग है आज रात। अरे लूप, जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यक्स ग्रुप उनका खानदानी खेल खेलेंगे, उसके लिए मुझे सारा इंतजाम करना जरूरी है। फूसबॉल। फूसबॉल 1000 साल पहले वाइकिंग समाज के लोग दुनिया के कोने कोने से ये खेल खेलने आए थे। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता कि एक सच्चे वाइकिंग की तरह मुझे सफाई करनी पड़ेगी। या फिर ये काम मेरे तरीके से करते हैं, हाईवे पहुंच के लूप पे राइड करते हैं। ये साफ हो गया, पूरी तरह साफ। फूसबॉल टेबल बर्बाद हो गया। यक्स ग्रुप के हर मीटिंग में फूसबॉल होना जरूरी होता है। पता है वो मेरा क्या हाल कर देंगे? मैं तो गया गांव से गया। गंथर गलती मेरी है, हम अभी दुकान से नया फुटबॉल टेबल लाते हैं उनके आने से पहले, और फिर राइड करेंगे लुप्टी लूप ऑफ लैसरेशंस पर। ठीक है, ओह लेकिन मेरे डैड तो 2 घंटे में घर आएंगे। अगर ऐसा है तो ये सवारी सीधा दुकान पर ले जाते हैं। वेरिएंट के ग्राहकों, नॉर्थ यूरोपियन से एक जहाज आया। सबसे सस्ता टेबल 100 रुपए का है। इतना महंगा? 20 है। वेल, इतने काफी है, बाकी के जमा करने के बाद। पर अब क्या करेंगे हम? बाकी के पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हाँ गंथर, हमें 80 रुपए कम पड़ रहे हैं। हम उनसे दाम थोड़ा कम करवा लेंगे। तो कोई है जो हमेशा ये आसानी से करती है? मैं करवा लूंगी, लेकिन काम के दाम लूंगी। क्या ये काफी नहीं? और ख्याली चाय? अरे ये तो हमारा इशारा है मेरे रूम में आने के। मेरे कॉन्डो से पहले एक हॉट टब ले आना। हॉट टब? हाँ, क्या बबल्स निकलते हैं तुम्हें पता नहीं? और ख्याली केक? हाँ तुम मेरा हॉट टब इस्तेमाल कर सकते हो। वाओ! पर तुम्हें उसका बबल पाइप साफ करना पड़ेगा। अब तक मेरे ग्रुप में फंसे हैं, लेकिन लगता है उन्हें जल्द ही मदद मिलेगी और वो यहाँ से निकल पड़ेंगे। काफी अंदर तक कचरा फंसा है, कोई ऐसा आदमी लगेगा जिसके हाथ बहुत लंबे हैं और हद से ज्यादा पतले। तीन, 2 बार किया, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? ब्रैड सुनो, छोड़ो नन्हे चूजे, मैं मॉल जा रहा हूँ, हैमबर्गर शॉप की लड़की का फोन नंबर चाहिए मुझे। क्या मुझे आपका वो मिल सकता है? क्या आपका वो मास्टर पैकेट? हाँ थैंक यू, और इस बार तो मुझे मिल ही जाएगा। हाँ ब्रैड, मॉल के अंदर कैसे जाओगे? तुम्हारी बाइक का टायर पंचर है। हाँ? आओ हमें तुम्हारे हाथ दे दो, हमें कमाल की राइड मिलेगी। एक और मस्टर्ड पैकेट। मस्टर्ड पैकेट या जो भी हो, हम तुम्हें यहाँ ले आए, अब जो वादा किया था उसे पूरा करो। पहले उसका फोन नंबर चाहिए। गंथर, कॉल का सबसे बढ़िया टाइम है 6:30 से 8 के बीच। क्या मिल गया? कैसे?
लड़कियां मुझसे खुश रहती है। इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। गंसर ने तुम्हें नंबर दिया, अब तुम अपने हाथ हमें दो। पकड़ में आ गया मैं, अब उसने पकड़ लिया मुझे और मुझे नीचे खींच रहा है। अरे ये हॉट टब भी, अरे चलो मेरा हाथ तोड़ोगे क्या? ये क्या है? ये पाइप में फंसा था, ये तो भारी पड़ेगा। बचाओ, मैं गया काम से। केक, ये चीज है क्या? पता नहीं मुझे भी, ये तो दिखने में कपड़े जैसा लग रहा है। मुझे तो ये सुनो, अरे ये बबल्स कहाँ है? ओ गड़बड़ हो गई, मैं बबल्स का बिल चुकाना भूल गया। बबल्स नहीं तो ब्रियाना भी नहीं। यानी फुटबॉल टेबल में नहीं। अब कुछ भी करके लाने होंगे बबल्स। बबल्स खट्टे बेर। मेरा काम हो गया। काम हो गया गंथर, इसे तुम्हारी गराज में रखेंगे और सीधे लूप टी लूप ऑफ लेसरेशन। अब घर पहुंचेंगे और फिर सवारी लूप की। यह है ऑसम का एहसास। मुझे मेरे डैड यानी की गंध आ रही है, और वो देखो हमने देर कर दी है। फिक्र न करो गंथर, सबके साथ वो भी फंसे हैं ट्रैफिक जैम में। मेरे डैड को नहीं जानते हो तुम। ट्रैफिक जैम मत, तुम्हारे घर जरूर पहुंचेंगे और वो लूप कहीं भागे नहीं जा रहे। आखिरकार लूप की सवारी निकलने के लिए तैयार है। ड्राइवर्स का जोश काम आ गया। किक, वो लूप जा रहे हैं। जल्दी करेंगे तो ही उन तक पहुंच पाएंगे। नहीं गंथर, पहले तुम्हारे घर पहुंचेंगे। लेकिन लूप, ऐसा मौका जिगरबाज की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो सका। और असल में मैंने ही तुम्हें मुश्किल में डाला है और मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगा। तो फिर चलो। कमाल है ये लोग, उनके पास कुछ अजीब पैतरे हैं, हमारे लिए मुश्किल है। झटका 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 झटका, कोई चमत्कार ही उनसे आगे ले जा सकेगा। या फिर कोई लूप टी लूप ऑफ लेसरेशन। मतलब हम उन्हीं पे सवारी जो करने जा रहे हैं। गंधर बाई तरफ हवा में छलांग। आगे झुको गंधर, तुम्हारा वजन हमारे काम आएगा। क्या? ऊपर की तरफ तुम्हारा वजन ही काम आएगा। डर्ट बाइक माइक हार गया क्योंकि उसके पास गंथर नहीं था। मेरा चरम शायद इसीलिए हुआ था। देखो ब्रुहा फुस ब्रुहा फुस ब्रुहा फुस ब्रुहा ब्रुहा वाहन यास की शान में पेश है। अच्छा है, साफ है, है? ये टेबल मेरा नहीं है। आप ही का है, हमने बस उसमें चक्के लगा दिए। आजकल हर चीज मोबाइल जो है। बढ़िया है, मैं ठीक हूँ। ओ गंथर, ये तो पूरे दिन का काम था। हाँ, तुम कुछ भी कहो, मुझे तो मजा आ गया। के गोल, जो भी हो हम लूप में तो हैं। और ये फुटेज देखिए जिसमें एक जिगर बाज स्टंट मैन ने वो काम कर दिया जो डर्ट बाइक माइक भी नहीं कर सका। चुनौती डिलीवरी की। जब वाइकिंग्स खूंखार दुश्मन से लड़ने जाते हैं तब हम उन्हें एक बड़ा सा वुडन ड्रैगन देते हैं तोहफे के तौर पर। तुम कौन हो भाई? कोई दरवाजा खोलेगा प्लीज? हाँ, मैं खोल देता हूँ।
ये एक सबसे महान वाइकिंग रणनीति है और शत्रु उस वुडन ड्रैगन को अपने कासल में ले जाता है। इसे महल के बीचों बीच रखेंगे। शत्रु को शक भी नहीं होता कि इस तोहफे में योद्धा छुपे हैं। वाइकिंग्स हमेशा रास्ता निकाल ही लेते हैं और इसीलिए तो मेरा सूटकेस भी एक वुडन ड्रैगन है। वाव! चलो मैं तो निकला छुट्टियां मनाने। जब तक तुम्हारे अंकल दी ऑर्गन छुट्टी पर है गंधर, सारे के सारे बर्तन तुम्हें ही धोने हैं। ओ, बर्तन फिर से नहीं? हाँ तो फिर ठीक है, तुम चुन लिया करोगे क्रैकन के अंडे। मुझे तो बर्तन मांजने में बहुत मजा आता है। ब्रुहा, हमें एक नया डिलीवरी मैन भी चाहिए। मैं कमाल का डिलीवरी मैन बन सकता हूँ। कोई साधारण डिलीवरी मैन नहीं, एकदम तेज। 29 मिनट या उससे पहले खाना हाजिर होना चाहिए वरना फ्री। 29 मिनट 30 क्यों नहीं? कॉम्पिटिशन को मात जो देनी है। ब्रुहा, मुझसे तेज कोई नहीं हो सकता। ओ, मैं नहीं पकड़ सकता इन्हें, नहीं पकड़ सकता। मुझसे तेज कोई नहीं। तुम हो नए डिलीवरी मैन। ब्रुहा, ब्रुहा। डिलीवरी का पार्सल तैयार है। किक बटाउस्की के इज्जत का सवाल है। ब्रुहा, ब्रुहा, ब्रुहा। अरे पार्सल ही भूल गया। 29 मिनट या उससे पहले। पूरे 28 मिनट बाकी है। ब्रुहा। हेलो बैटल स्नैक्स। ब्रुहा, ब्रुहा बैटल स्नैक्स। बिजनेस तेज है। पिछली डिलीवरी मैंने 3 मिनटों में की। ईस्ट मेलो ब्रुक अपार्टमेंट बिल्डिंग 14वां माला। लिफ्ट बंद थी क्योंकि बिल्डिंग में पानी भर गया था। और टिप भी अच्छी मिली। मेरा भी काम हो गया। अच्छा है, अब तुम क्रैकन के अंडे लेने जाओ। कुछ बर्तन धोने बाकी है, मैं अभी अंदर जाता हूँ। हेलो बज स्नैक्स। ये तो मिस्टर डार्क वन है। ये मिस्टर डार्क है कौन? उसे हमेशा खाना फ्री देना पड़ता है। बी ऑर्गन ने कभी भी वक्त में डिलीवरी नहीं दी। ये बिजनेस डुबा देगा। वो बेपरवाह है, वो चालाक है। हे माइंड इट। किक बटोस्की ने जब कह दिया समझो काम हो गया। ब्रुहा, ब्रुहा, ब्रुहा। अभी लौटता हूँ। कुछ खास दूर भी नहीं है। 12 मिनट बस। ये रहा सामने मिस्टर डार्क। माइंड इट, आपने चीटिंग की। ये आदमी है कौन? मिस्टर डार्क फ्री खाना ले रहे हैं पिछले 6 महीनों से। ठीक है, वो महीने में एक ही बार ऑर्डर करता है। हेलो बज स्नैक्स, होल्ड कीजिए। मिस्टर डार्क वन, एक और ऑर्डर है। इस बार पैसे तैयार रखो मिस्टर डार्क वन। कोई फायदा नहीं, मैं बार बार ऑर्डर करता रहूंगा, तुम हर बार हार जाओगे, समझे? हुआ? बस हुआ, अब ये स्कीम हम बंद करेंगे। लेकिन वाइकिंग्स हमेशा रास्ता निकाल लेते हैं। सही कहा गंधर, वाइकिंग्स भी और किक बटोस्की भी। दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी।
पहुंच गया हूं और पूरे 27 मिनट बाकी है। बज गई घंटी। वाइकिंग पॉट भाई ठीक है, अब क्या करोगे मिस्टर डॉग? मिस्टर डार्क, मिस्टर डार्क तुम अभी यहाँ से चले जाओ। केंडल तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोनाल्डो, तो आखिरकार मिस्टर डार्क वन का राज तुम्हें पता चली गया, फिर भी तुम हारते जाओगे कि वो तो देख लेंगे अगली डिलीवरी में। क्या कहा? अगली डिलीवरी बुटोस की। मेरी दोस्त केंडल कोई तकलीफ? तो इसी वजह से तुम मेरे डिबेट क्लब मैच में नहीं आया है ना? तुम्हारा गुस्सा भी मीठा है। देखो एक शर्त है रोनाल्डो, तुम्हें कुछ खास करना पड़ेगा, कोई प्यारा सा अनोखा सा बड़ा सा महंगा सा तोहफा पेश करना होगा, वो भी कल रात तक, वरना सब खत्म। बहुत ही प्यारा बहुत ही अनोखा जो तुम्हें अच्छा लगे वो भी फ्री। तुम्हारे लिए। मैं समझ गया, बैटल स्नैक में कॉल करने के लिए शुक्रिया। एक और ऑर्डर है मिस्टर डार्क वन की, 14 पकवानों के साथ वाइकिंग थाली की ऑर्डर की है, एक्स्ट्रा ग्रेवी के साथ। 29 मिनट में मिलते हैं या उससे ज्यादा। ये हमारे मेनू का सबसे महंगा आइटम है, अगर मिस्टर डार्क वन को फ्री देना पड़ा तो हम लट जाएंगे। नहीं, इस बार मैं वक्त पे डिलीवरी करके रहूंगा कुछ भी हो। ये कैसी बेहुदा सर्विस है, मेरे वुडन ड्रैगन सूटकेस को संभालना वरना उसमें से सब कुछ बाहर टपक पड़ेगा। ओह वाव। अब मैं देखता हूँ मेरे फोर्स फील्ड को तोड़कर बोटोस की 29 मिनट में कैसे पहुँचेगा। ये तो कमाल है, हाथ से बना मेरा पुतला, बस मुझे ऐसे ही प्यारे से अनोखे से बड़े से तोहफे का इंतजार था। वैसे हाँ बढ़िया है ना, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। ध्यान रखो कैंडल, फोर्स फील्ड से दूर रहो। कितना प्यारा। डिनर साथ में करेंगे, डिलीवरी आती होगी 19 सेकंड या उससे ज्यादा। मैंने कुछ नहीं किया। यस। मैं जा रही हूँ। रुको रुको कैंडल, बेकार की जिद का नतीजा है। बेकार की जिद? तो मेरा लकड़ी का पुतला अब तुम्हारे लिए बन गया है बेकार की जिद? लेकिन मैंने कुछ, अरे कैंडल रुको प्लीज। सही टाइम पे। हमें पता है आप पारंपरिक खाने के शौकीन है, हमेशा बैटल स्नैक्स से खाना ऑर्डर करने के लिए थैंक्स। ये रहा आपका बिल। कितना है? इतने पैसे मेरे पास नहीं है। बिल चुकाने के और भी तरीके हैं। इतना ही ना, इन डिशेस को साफ करना है, और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास? ये तो मैं 2 सेकंड में साफ कर दूंगा। नहीं, बर्तन तो मैं धो लूंगा, क्रैकन कैंडल लाना ज्यादा जरूरी है। वाओ, बस इतना ही? ये तो मेरे दोनों हाथ का खेल है। वाओ, मुझे कोई तो बचाओ, प्लीज कोई तो बचाओ। लगता है काम तो बन ही गया। वाकई तुमने आखिर डिलीवरी कर दी। वेल, मैं छुट्टियां मनाकर आ गया। वेलकम बैक अंकल ब्यूगेन, आपने एंजॉय किया ना? बिल्कुल नहीं, वहाँ की सर्विस काफी खराब थी।